हाय फ्रेंड्स, मैं निशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक इन्हें पिंपल्स, डल स्किन, ओपन पोर्स के लिए फेस पैक। ये नेचुरल फेस पैक है और ऑल टाइप स्किन के लिए कोई भी इसको लगा सकता है। आपकी डल स्किन है या ओपन पोर्स है तभी भी आप लगा सकते हैं, एक ने पिंपल से तभी भी आप लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 बार लगाना है और कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले लेना है 1 चम्मच इसमें बेसन, इसके बाद ऐड करना है 1 चम्मच इसमें नीम पाउडर, इसके बाद ऐड करना है वाइट टर्मरिक। ये स्किन वाली हल्दी है, वही ऐड करना है, किचन वाली नहीं करना है। किचन वाली ऐड करेंगे तो वर्क नहीं करेगा और फेस पूरा येलो येलो हो जाएगा। तो आप ट्राई करें कि स्किन के लिए जो वाइट टर्मरिक आता है वही ऐड करें। थोड़ा थोड़ा इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे, पानी से फेस पैक नहीं बनाएंगे, रोज़ वाटर ऐड करेंगे। उसके बाद फेस का क्लिंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रॉ मिल्क लेके क्लिंजिंग कर रही हूँ। रॉ मिल्क बेस्ड क्लिंजर होता है, आप डेली करते हैं तो आपके फेस पे ग्लो भी आएगा, ऐसे भी आप डेली करते हैं तो पूरे डस्ट वगैरह इससे निकल गए। और इसके बाद फेस पैक में अप्लाई करूँगी। थिक लेयर फेस पे लगाना है और 15 से 20 मिनट तक फेस पे रखना है। उसके बाद आपको फेस को गीला करना है, नॉर्मल पानी या रोज़ वाटर से आप गीला कर लें। यहाँ पे मैं रोज़ वाटर से गीला कर रही हूँ। उसके बाद स्लोली आपको स्क्रब करते हुए मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको फेस को धो देना है। 3 से 4 मिनट तक आपको मसाज करना है स्लोली। आप स्लोली मसाज करें, नहीं तो पिंपल्स वगैरह रहेंगे तो आप रगड़ेंगे तो फूट जाएगा। उसके बाद फेस को ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको कोई एलोवेरा जेल या कोई मॉइस्चराइजर या कोई सीरम अप्लाई करना है। और उसके बाद फेस को पे पूरे दिन कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कोई फेस वॉश वगैरह आपको नहीं अप्लाई करना है। हफ्ते में 2 बार लगाना है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।